नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक कॉलेज में। और एक खबर डेनमार्क से आ रही है कि वहाँ पे आज एक लॉ पास हुआ है जिससे कि कोई भी अब कुरान को जला नहीं सकता है। अब ये चीज़ ना हमारे लिए बड़ा सुनने में अजीब सी है कि कुरान नहीं जला सकते हैं, इसके लिए भी बिल बनाया है, क्योंकि हमारे देश में तो पहले से ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप देखो, वहाँ जो है लिटरली लोगों को राइट्स दिया गया हुआ है कि वो किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं ओपनली, किसी भी हद तक। ठीक है, तो आइए जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो डेनमार्क के पार्लियामेंट ने बिल पास किया है जिसके तहत कि आप कोई भी कुरान की कॉपीज़ को ना तो ओपनली जला सकता है, या फिर ना तो उसका वीडियो बना करके जला के उसको पब्लिश कर सकता है। साफ साफ ये कानून बनाया गया है। वहाँ की 179 सीट्स में से 94 ने इसके फेवर में वोट किया, 77 ने इसके अपोजिट पोज में वोट किया था। अब हमारे इंडिया में तो ऐसा है नहीं, हम सब जानते हैं आप छोटे किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। आपको कुछ भी बोलते समय ध्यान देना पड़ता है कि आप किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सको, है ना। और क्योंकि इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। हालांकि हर देश में डाइवर्सिटीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसी तरीके से डाइवर्सिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं और दूसरे रिलीजन के भी लोग हैं। बट फिर भी स्वीडन और डेनमार्क में एक था कि हाँ, आप चाहो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ था लोगों को कि वो चाहें तो जो रिलीजन है उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। उसका मकसद ये है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ एक डॉगमेटिक चीज़ें की जा रही हैं, है ना, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। तो ये उसका मेन मकसद था। लेकिन अब वहाँ एक पास कर दिया गया है लॉ जिसके तहत कि कुरान को तो आप बिल्कुल भी जला नहीं सकते हो, ना तो ओपन प्लेस में ना वीडियो के तहत। यह ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि पिछले कई समय से ना, काफ़ी समय से वहाँ एंटी इस्लाम के मूवमेंट्स चल रहे थे। कई लोग, क्योंकि देखो कई कोविड के आसपास और कोविड के बाद बहुत सारे लोग ना वहाँ चले गए थे, आपके डेनमार्क और स्वीडन में चले गए लोग, है ना। और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्लाम की पॉपुलेशन हो गई और लोकल पॉपुलेशन को एज अ थ्रेट लगने लग गया। होता है, कॉमन सी बात है, कहीं भी अगर दूसरी जगह के लोग अगर आके अचानक रहने लग जाए तो लोकल पॉपुलेशन को एज अ थ्रेट एम्प्लॉयमेंट के व्यू पॉइंट से भी होता है, और कई सारे सोशल फैक्टर्स भी हैं जो वो भी होता है इसमें इंक्लूडेड। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, क्योंकि उनके तो लॉ में भी है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बट इसका एक अपोजिट रिएक्शन देखने को मिल रहा था। मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था डेनमार्क को और स्वीडन को भी, खास करके तब जब डेनमार्क की जो एम्बेसी है, डेनिश एम्बेसी बगदाद में, वहाँ तो लोग पूरा प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँच गए थे भयानक तरीके से। और वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, उन्हीं का कहना है कि 21 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच में 483 ऐसे काम हो चुके हैं, बुक बर्निंग के हादसे हो चुका है डेनमार्क में पुलिस का रिकॉर्ड्स के तहत। तो पुलिस का रिकॉर्ड्स से भी ज़्यादा ही होता होगा मैं मानता हूँ। तो वहाँ के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देखो, हमें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन रखना है, और हमें लगता है कि अगर हम ऐसी चीज़ें करते रहेंगे तो हमारा इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन सही नहीं रहेगा और टेंशन का कारण बनेगा, जो कि हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है। ठीक है, तो इस चलते ये लॉ को लाया गया, पास कराया गया। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा कोई लाया जाएगा ऑल ऑफ अ सडन लॉ, तो जो पहले से लोग फॉलो कर रहे हैं उस लॉ को, तो उनको क्रिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। वही हुआ, डोमेस्टिक क्रिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है स्वीडन और डेनमार्क में कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, लिमिटेशंस कैसे लगा सकते हैं क्रिटिसाइज़ करने पर रिलीजन को। और उनका ये भी कहना है कि हिस्ट्री विल जज अस हार्शली, और ऑब्वियस सी बात है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसको, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं।
2006 में एक हादसा, एक चीज घटना हुई थी, हादसा कहना तो गलत है, एक इंसिडेंस हुआ था, जबकि डेनमार्क ने बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड एंगर फैला गया था मुस्लिम्स का। हुआ ये था कि एक डेनिश न्यूज़पेपर ने 12 कार्टून पोस्ट किए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, जिसमें से एक में दिखाया गया था कि वो बॉम्ब पहने हुए एज अ टर्बन। अब मुस्लिम्स जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं करते हैं, तो वो इसको भी एक तरीके से आइडल आइडल्ट्री का पार्ट देखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है आप किसी रिलीजियस लीडर का मजाक नहीं बना सकते, तो उन्होंने उसको भी उस तरीके से लिया, और इस वजह से एंटी डेनमार्क प्रोटेस्ट पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में होने लग गया था। तो ये चीज़ें कहीं आगे चल करके थ्रेट ना बन जाए डेनमार्क के लिए, इसलिए डेनमार्क गवर्नमेंट ने स्लोली उसी समय जुलाई के एंड में ही, अगस्त में ही इसको बिल को ले आए थे, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करते कराते थोड़ा टाइम लग गया, और अब फाइनली वो बिल पास हो चुका है, और वहाँ की जो क्वीन है मार्गरेट वो साइन कर देंगी, तो ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अब सजा की बात करें तो इसमें अगर कोई भी ये लॉ तोड़ता है तो इसमें फाइन तो होगा ही, या फिर उसको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो होप ये आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया हो, और जो ये इशू है कुरान बर्निंग का, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट्स भी हमें बता सकते हैं कि आपका इस बारे में क्या विचार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।